आप सभी को नमस्कार। सुप्रभात। सार्थक और मल्टी पॉइंट की यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से एक विनम्र प्रार्थना है, जितने अधिक विद्यार्थियों को आप जोड़ेंगे, जाहिर सी बात है उनकी समस्याएं भी हम तक पहुंचेंगी और उसे हम प्रभावी तरीके से आगे तक ले जा सकेंगे। हमारा यह हमेशा से ही प्रयास रहा है कि आप सभी लोगों की समस्याओं पर अगर हम थोड़ा सा प्रयास कर देते हैं तो आप सभी लोगों की समस्याएं जल्द से जल्द सॉल्व हो जाती हैं। खबरों की इस श्रृंखला में, इस वीडियो में आप सभी लोगों से काफ़ी सारी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। कहते नहीं कि कुछ पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं इंसान के जीवन में और उन सारी चीज़ों से इंसान को एक ना एक दिन रूबरू होने पड़ता है। तो स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हों, हर इंसान को मजबूती के साथ उन विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना चाहिए। लेकिन जो प्रतियोगी हमारे भाई बहन हैं, जाहिर सी बात है उनके जीवन में तो काफ़ी समय से विपरीत परिस्थितियाँ ही चली आ रही हैं और जानकारियाँ अधिकारी भेजते हैं, अधिकारी कहते हैं कि शासन देरी कर रहा है, शासन कहता है कि हम इधर से क्लियरेंस दे दे रहे हैं, और पता लगे कि विज्ञापन रास्ते में ही अटक जाता है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है वहीं पे, है ना, समस्या होती है। इसलिए तमाम उन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं, जो कि आप सभी लोगों को जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आपकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अध्यक्ष और सचिव महोदय को लखनऊ बुलाया गया है। वही सिलसिले में कि हो सकता है कि वहाँ पे परीक्षा नियंत्रक महोदय को प्रेषित किया जाए शिक्षा संरक्षण आयोग, और एक नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि इनकी शुरुआत तो ठीक ठाक हुई है, है ना, अच्छे स्ट्राइक रेट पर इन्होंने बैटिंग की है, क्योंकि इनलाइन स्टाफ नर्स का परीक्षा इन्होंने कराया अपने कार्यकाल में और वो सफलतापूर्वक इन्होंने करा लिया। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज, डीप चैलेंज आप बोल सकते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज के लिए पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा और आरओ की प्रारंभिक परीक्षा ही है, क्योंकि उसमें विद्यार्थियों की संख्या 10 लाख के पार, तो ये परीक्षा इनके लिए वास्तव में बहुत बड़ा सरदर्द है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यह भलीभांत पर ज्ञान है कि एलडी ग्रेड जीएससी और खंड शिक्षा अधिकारी में भी तकरीबन 17 से 18 लाख आवेदन होने की पूरे पूरे आसार है, अगर जो पॉलिसी चल रही है गवर्नमेंट की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को प्रायोरिटी दें जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर ये प्रायोरिटी विज्ञापनों में लागू होती है तो जाहिर सी बात है कि आवेदनों की संख्या आप तो लोगों की 1-1.5 लाख कम ही हो सकती है, ठीक है ना। तो मान चलिए मोटा माटी के 15-16 लाख आवेदन तो होने ही होने हैं, इतने बड़ी संख्या में आवेदन होना वास्तविकता में लोक सेवा आयोग के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है कि इसका एग्जाम कैसे कराया जाए, है ना। और गवर्नमेंट की ये पॉलिसी भी हो चुकी है कि अगर उसमें 5 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं तो आप उसको 4 से 6 शिफ्ट में उसका पेपर कराइए, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी संख्या में तो शिफ्ट वाइज कराना ही पड़ेगा। और उसके बाद संस्थानों के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सबसे बड़ा सरदर्द है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन पर किस तरीके से कार्य होगा, क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के सामने, मुख्यमंत्री महोदय के सामने प्रेजेंटेशन दिया जा चुका है, और वो प्रेजेंटेशन कितना कारगर होगा, विद्यार्थियों के लिए कितना प्रभावी होगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पुलिस प्रतिनिधि बोर्ड के माध्यम से 3 दिन का पेपर सकुशलतापूर्वक करा लिया गया है, बाकी बचे 2 दिन जिसकी मुहिम कल से स्टार्ट हो रही है। लेकिन उसके पहले अध्यक्ष और सचिव का लखनऊ जाना हम सभी लोगों को उम्मीद दे गया है, क्योंकि अब मीडिया में तो कोई नहीं दिखता है, ठीक है ना, ना कोई मंच दिखता है और ना कोई मोर्चा दिखता है, समझ रहे हैं ना, सारे के सारे लोग जो है वो दुबक गए हैं, बैठ गए हैं। एकलौता अगर कोशिश किया जाए तो कभी वो कोशिशें कभी कभी सफल हो जाती हैं और कभी कभी ऐसे की वैसे ही रुकी रहती है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से भी गुजारिश इसीलिए करता हूँ कि आप लोग जितनी अधिक संख्या में जोड़ेंगे विद्यार्थियों को उतनी ही प्रभावी तरीके से हम लोग बातों को रख पाएंगे। तो आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक गुजारिश है कि अधिक से अधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़िए।
और आयु सीमा को लेकर के भी कुछ स्पेशल डिस्कशन मुख्यमंत्री महोदय के साथ लोक सेवा के अध्यक्ष का होगा, और ये सारी चीजों की जानकारी आप लोगों को मीडिया के माध्यम से बहुत जल्दी ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि इनकी मुलाकात में क्या डिसीजन लिए गए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए, आगामी आने वाली इंटीग्रेटेड जीएससी और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, साथ ही साथ जो क्लियरेंस अर्हता को दिया गया है उसके अर्हता की क्लियरेंस के लिए सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। बस आप लोगों को आजकल का वेट करना है बस, ठीक है। हम लोगों का भी ये प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इंटीग्रेटेड का विज्ञापन आ जाए, जीएससी लेक्चरर का विज्ञापन आ जाए, ताकि परिस्थितियां आप लोगों के विपरीत बिल्कुल भी ना जाने पाए, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये बात अच्छी तरीके से जानता है, आप लोगों भी को भी ये चीज़ें पता होंगी कि कोई भी विज्ञापन जारी करने के 2 से 2.5 महीने के भीतर वो एग्जाम करा लेते हैं, ठीक है। तो देखना दिलचस्प होगा कि हम लोगों के आवेदन क्या 5 तारीख से स्टार्ट हो सकते हैं अथवा नहीं। तो इसी बात पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है आप लोगों का टीजीटी पीजीटी 2022-2016-2021 के लिए। 2016-2021 के विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी जो भाई बहन अभी हमारे साथ हमारी अध्यक्ष जुड़ करते हैं उसका लाभ लेना चाहते हैं वो तत्काल जुड़ जाए। साथ ही साथ 2022 में जो चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं 4163 पद, उसमें आप लोगों को अब ये विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब इस विज्ञापन में आप लोगों को पदों की संख्या 9800 देखने के लिए मिलेगी, ये श्योर है, सर्टेन है, ठीक है। अभी जो बातें आ रही कि भैया अभी वेबसाइट लॉन्च नहीं हो पाएगी, क्यों? क्योंकि वेबसाइट अभी पूरी तरीके से कारगर तरीके से बनी ही नहीं है। अब वेबसाइट का अगर बन चुकी है तो उसका सर्वर क्लियर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा संयोजन आयोग के कर्मचारियों को भी ये बातें पता है कि इस पर अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थी विजिट करेंगे और वेबसाइट अगर डाउन फॉल डाउन हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों से मैं इस बात की प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग जितना प्रभावी तरीके से अपना सहयोग देंगे हम उतना ही प्रभावी तरीके से आप लोगों को रिजल्ट डिलीवर करा सकेंगे। टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम शेड्यूल अभी हमारे पास 2 दिन शेष हैं और इसी बीच में आप लोगों को अध्यक्ष के भी दर्शन हो सकते हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है, 99.99% पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब ये मीडिया में भी आने लगा है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 25,000 से अधिक पद रिक्त हैं लेकिन इस पर विज्ञापन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, 16,500 पे ही विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा, शेष पद आपके होल्ड में रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा संयोजन आयोग प्रतिवर्ष आप लोगों को विज्ञापन देगा और प्रतिवर्ष आप लोगों की टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हुआ करेंगी कंटिन्यू। साल भर में 2 बार टीईटी का भी प्रोग्राम बन चुका है, इसका प्रस्ताव शासन ने मंजूर कर लिया है और बहुत जल्दी आप लोगों को इसका एडवांटेज भी मिल जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें देखने के लिए मिलेगी। माध्यमिक लेवल की टीईटी पर प्रमुख सचिव महोदय ने भी स्पष्ट कर दिया है, माध्यमिक शिक्षा के अभी माध्यमिक लेवल की टीईटी करा पाना संभव नहीं है, अभी आप लोगों का ऐसे ही चलेगा। मजे की बात तो यही है कि परसेंटेज वाला मामला भी पूरी तरीके से समाप्त हो गया और इसे शासन ने संतुति भी दे दी है, ठीक है ना। तो अब किसी भी प्रकार का परसेंटेज आपको प्रभावित नहीं करेगा, आप अगर प्रस्नातक हैं तो आप जीएससी लेक्चरर अप्लाई कर सकते हैं प्लस बीएड हैं तो, और अगर आप स्नातक हैं और प्लस बीएड हैं तो आप टीजीटी और एलटी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एक अवसर आज ये भी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आप लोगों को जो नॉन बीएड की डिग्री धारक हैं उनको अवसर एलटी ग्रेड में दिया जाएगा अथवा नहीं दिया जाएगा, ये सारी चीजें आज क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, चैनल को अधिक से अधिक अपना स्नेह दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल री एग्जाम के नेक्स्ट शेड्यूल को लेकर के। अब कल से पेपर है, परसों भी है, 2 दिन है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि तमाम उन परिस्थितियों में विद्यार्थी अपना जुगाड़ ढूंढते हैं, जुगाड़ ढूंढने की कोशिश मत करिए क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सख्त है, ठीक है। आप लोग अपनी मेहनत से तैयारी करिए, उसके बाद आप लोगों को डिक्लेयर करके मेरिट बताई जाएगी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके से आप लोगों को ये सारे एडवांटेज मिलेंगे और किस तरीके की आपकी मेरिट जाएगी। अब मैं गारंटीड इस बात की जानकारी आपको दे दूँ कि जो मेरिट आपको जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो आप लोगों को डिक्लेरेशन दी जाएगी वो तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं, ठीक है ना, और एग्जैक्टली वही मेरिट आएगी आपकी। परेशान बिल्कुल मत होइए, कोशिश ये करिए कि 110+ क्वेश्चन करके आएँ आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए। प्राथमिक शिक्षा भर्ती में जो 69,000 का मामला चल रहा है, रोज विद्यार्थी कोर्टे पहुंचे हैं। अब कुछ विद्यार्थी ये कोर्ट लेकर के मामले चले गए हैं कि इसमें जो विद्यार्थी निकाले जाएंगे 69,000 की नई लिस्ट में, उन विद्यार्थियों को पद बढ़ा करके समायोजित न किया जाए बल्कि नया विज्ञापन दिया जाए। अभी कल ही प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मुलाकात हुई थी, हम लोगों की बातचीत हुई थी। हम लोगों ने जब पूछा था कि सर इसमें क्या बीएड डिग्री धारकों को बाहर करके मेरिट बनाने के संबंध में कोई जानकारी आ गई है क्या, उन्होंने इस बात को स्पष्टता कर दिया कि ये नियम सर इस विज्ञापन पर लागू नहीं होगा क्योंकि ये 2018-19 का विज्ञापन है, तब तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट क्या हाईकोर्ट तक नहीं गया था, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि आप लोगों को बीएड डिग्री धारक जो है इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसमें कोई संकोच नहीं है, ठीक। और नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन अभी फिलहाल सरकार के प्रस्तावना नहीं है, तो आप लोग इस चीज़ को तो बिल्कुल दिल दिमाग से निकाल दीजिए, नया विज्ञापन आप लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइए। हाँ, जूनियर की एक वैकेंसी आप लोगों को जरूर दिसंबर तक देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है ना, भाषा शिक्षकों की वैकेंसी, क्योंकि शासन को इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है, पद रिक्त हैं और जो पद आपके प्रमोशन से डिमोशन वाले विचारे निकल गए वो पद भी रिक्त हो गए हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के भी पद काफ़ी ज़्यादा रिक्त हैं, उनके भी अध्यादेश भेज दिए गए हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं दिसंबर तक आप लोगों को एडेड जूनियर और जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, 15 अक्टूबर तक तैयार रहिए अपने UPSI के विज्ञापन के लिए। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों को 10 सितंबर तक वीडियो री एग्जाम का परिणाम दे देगा, ठीक है ना, और मुख्य सेविका का परिणाम 15 सितंबर के पहले पहले आ जाएगा। तो विद्यार्थी बिल्कुल भी चिंतित ना हो, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रोग्राम चल रहा था 2011 बायोलॉजी का, ठीक है ना, और सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी, तो अब उन विद्यार्थियों को रिजल्ट की प्रतीक्षा है, यथाशीघ्र ही रिजल्ट भी मिलेगा। जो जो प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, किस तरीके का TGT का प्रारूप होगा, किस तरीके का PGT का होगा, जो अर्हताएं तब्दील की गई है उससे कितने विद्यार्थी इन होंगे, कितने विद्यार्थी आउट होंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों की आज की डेट में क्लियर होने चली है। शाम तक आप लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री महोदय मीटिंग लेने चल रहे हैं अधिकारियों की, और पूरी उम्मीद है कि आज के ही दिन आप लोगों को अध्यक्ष की नियुक्ति का शासनादेश भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना, परेशान बिल्कुल मत होइए। चैनल को अधिक से अधिक स्नेह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। 97141085 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए संपूर्ण सिलेबस को प्रोवाइड करता ही करता है, साथ ही साथ आप लोगों को प्रैक्टिस शीट पेपर और आप लोगों को सॉल्व पेपर भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जितने वर्षों के आज तक के पेपर बने हैं, ठीक ना, उनका ऑथेंटिक जो है पूरी व्याख्या सहित आप लोगों को आंसर उपलब्ध कराया जाता है, ताकि आप उसे बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर सकें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।